तो गाइस Realme लॉन्च कर चुका है अपना एक नया स्मार्टफोन जो कि है Realme Narzo 20। तो आज मैं उसको Realme के दूसरे स्मार्टफोन Realme C17 से कंपेयर करने वाला हूँ। एंड मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बेहतर है। तो स्टार्ट करते हैं कंपेरिजन। बात करें अगर दोनों फोन के डिजाइन की, तो जो Realme C17 है वो टिपिकल Realme C सीरीज की तरह डिजाइंड है एंड इसमें आपको एक प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाता है, जबकि जो Narzo 20 है उसके डिजाइन को Realme बुलाता है एक विक्ट्री डिजाइन, और ये भी आपको प्लास्टिक बैग के साथ देखने को मिलता है। बात करें अगर दोनों फोन्स के डिस्प्ले की, तो Realme C17 में आपको एक 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड ये एक IPS LCD डिस्प्ले है एंड ये अप टू 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जबकि जो Narzo 20 है उसमें है एक 6.52 इंच का डिस्प्ले एंड ये एक HD प्लस डिस्प्ले है एंड ये अप टू 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। बात करें अगर दोनों फोन्स के कैमरास की, तो Realme C17 में आपको एक 13MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो है 13MP का, जिसका जो एपर्चर है वो है f1.8। इसी के साथ साथ इसमें है एक 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2MP का कैमरा मैक्रो शॉट्स के लिए एंड 2MP का कैमरा डेप्थ सेंसिंग के लिए, जबकि जो Narzo 20 है उसमें आपको देखने को मिलता है एक 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो है 48MP का, जिसका एपर्चर है वो है f1.8। इसी के साथ साथ इसमें है एक 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 2MP का कैमरा डेप्थ सेंसिंग के लिए। एंड जो Realme C17 है उसमें आपको देखने को मिलता है एक 8MP का सेल्फी कैमरा एंड ये एक पंच होल डिजाइन के साथ आएगा, जबकि Narzo 20 में आपको एक 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि वो वाटर ड्रॉप डिजाइन के साथ आएगा। आगे अगर बात करें इन दोनों फोन्स के बैटरीज की, तो C17 एंड Narzo 20 दोनों में ही 6000mAh की बैटरीज लगी हुई हैं एंड दोनों में ही जो चार्जिंग सपोर्टेड है वो है 18W की एंड दोनों में ही आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि रूमर से ये पता चला है कि हो सकता है Realme C17 में 5000mAh की बैटरी हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि Realme C17 में 5000mAh की बैटरी होगी, क्योंकि Realme C12 एंड C15 दोनों में ही 6000mAh की बैटरी थी। तो ये पॉसिबल है कि Realme C17 में भी एक 6000mAh की बैटरी अपन को देखने को मिलेगी। आगे अगर बात करें इन दोनों फोन्स के सॉफ्टवेयर एंड UI की, तो दोनों ही फोन्स बेस्ड हैं Realme UI पे, जिसमें जो बेस लेयर लगी हुई है वो है Android 10 की। आगे अगर बात करें इन दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस की, यानी कि इन दोनों फोन्स के प्रोसेसर्स की, तो जो Realme C17 है उसमें आपको देखने को मिल जाता है Qualcomm का Snapdragon 460 प्रोसेसर, जबकि Narzo 20 में आपको देखने को मिलता है MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर। एंड परफॉर्मेंस वाइज Narzo 20 Realme C17 से कहीं आगे है, क्योंकि G85 460 से काफ़ी बेहतर प्रोसेसर है। आगे अगर बात करें दोनों फोन्स के बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की, तो दोनों ही फोन्स में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है एंड दोनों ही फोन्स में आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ दोनों ही फोन्स में आपको 3.5mm का हेडफोन जैक एंड लाउड स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। एंड बात करें अगर इन दोनों फोन्स के प्राइस की, तो जो Narzo 20 है उसका बेस वेरिएंट आता है 10,500 रुपये में, जबकि जो Realme C17 है उसका बेस वेरिएंट आएगा अप्रोक्सीमेट 11,000 रुपये में। एंड मैं आपको बता दूं कि Realme C17 अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन Realme C17 जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है एंड स्पेक्स को देख के लगता है कि ये 10,500-11,000 रुपये के बीच में ही आएगा। अगर ये और महंगा आता है तो हो सकता है अपन को इसमें प्रोसेसर और इम्प्रूव्ड मिले। ये भी पॉसिबल है कि Realme C17 में भी अपन को G85 देखने को मिले। सो दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। आप मेरी और वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, मैंने उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।